नमस्कार, ग्राम चौबारी, एतमाली चौबारी, मुस्तकिल परगना, तहसील बरेली, ग्राम बबिया, ग्राम प्रतापपुर कोहनी, परगना बल्लिया व तहसील सदर बरेली में निजी कृषकों की भूमि पर 5 वर्ष की अवधि के लिए आर्मी को गोलाबा तोप दागने हेतु अभ्यास के लिए वर्जित क्षेत्र घोषित किया गया था। इसी क्रम में ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी बरेली को 1/9/2023 को निम्न बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। वर्जित क्षेत्र में दर्शाई गई भूमि हमारी पूर्व पैतृक संपत्ति खतौनी में नाम दर्ज है तथा हम इसमें काबिज हैं। वर्जित क्षेत्र में बड़े किसान इसकी मालगुजारी अदा करते हैं, साक्ष्य संकलन है। उपरोक्त भूमि पर अधिकांश नलकूप लगे हुए हैं तथा उसमें सिंचाई करते हैं, विधिवत खेती हो रही है। अधिकांश कृषक स्थायी घर बनाकर इसी भूमि पर निवास करते हैं तथा जंगली जानवरों से रखवाली करते हैं। अधिकांश कृषक लघु सीमांत हैं, इनके जीवन जीने का अन्य और कोई साधन नहीं है। वर्जित क्षेत्र को निकट बैराज बना हुआ है जिसको क्षति पहुँच सकती है। लगभग 70-80 वर्ष पूर्व इस भूमि पर गोलाबारी हुई थी तो इससे बहुत बड़ी संख्या में पशुधन व मनुष्यों की जान गई हुई थी। आपको बताते चलें, ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी महोदय व अन्य अधिकारियों को इसकी शिकायत की है। इसमें आदेश किया गया है कि उप जिलाधिकारी सदर व जिलाधिकारी औला से तत्काल जांच कराकर आर्मी अधिकारियों को अवगत कराते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की जाए। इस दशा में कृषक न्यायालय की शरण में भी जाने को विवश हो जाएंगे। आपको बताते चलें कि इस मौके पर जयवीर सिंह, बाबू सिंह पूर्व प्रधान ग्राम चौबारी, पप्पू सिंह प्रधान ग्राम चौबारी, बिठौली देवी ग्राम पंचायत बबिया, बहादुर लाल ग्राम बबिया परगना, रणवीर सिंह कोहनी प्रतापपुर परगना बल्लिया, उदयवीर सिंह, अजयवीर सिंह, तरुण कुमार सिंह, राम बाबू, ओम प्रकाश सिंह, नेत्रपाल सिंह, ये लोग मौजूद रहे। देखिए खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे इन किसानों को न्याय मिल सके। रणवीर सिंह कहाँ रहते हैं? कोहनी प्रतापपुर। जो आपने जिलाधिकारी महोदय को शिकायत की है कि यहाँ पर मिलिट्री वाले यहाँ पर वो अभ्यास करते हैं, तो क्या मामला है इसका? उस पर जिलाधिकारी महोदय से हम इससे पहले भी पेश भए, उसके बाद में इनसे भी पेश भए जो ट्रांसफर हुई हो, तो उनने आश्वासन दिया कि तुम्हारी जमीन में अभ्यास नहीं करेंगे। वो पहले तो चली आ रही, तो उनके संज्ञान में यही कि जंगल पड़ा है, यहाँ खेती हो रही है, तो उनने आदेश करो एसडीएम मामला एसडीएम सदर के लिए कि हम दिखवाते हैं। तो बताए दे कि वहाँ जंगल पड़ा है, लेकिन वहाँ जब मौके पर जाके अधिकारियों ने जांच की तो उस पर सब फसल हो रही है, हमारा विद्युतीकरण है, यहाँ ट्यूबवेल है, हम लोग रहते हैं, कई परिवार रहते हैं, यहाँ पूरे जंगल में आदमी रहते हैं सब लोग। और उनने फिर उसके बाद में कार्रवाई करने के लिए कहा है, बोले तुम्हारी ज़मीन में अभ्यास नहीं करेंगे। अभी तक कोई अधिकारी जाँच करने तक कोई अधिकारी जाँच के लिए नहीं आओ यहाँ। अच्छा, तो अब क्या परेशानी आ रही है? अब ये परेशानी हो रही है कि उसका कोई निस्तारण हो, या तो वो अगर जमीन लेनी है सरकार के लिए अभ्यास के लिए लेनी है, फौज वालों के लिए लेने हैं, तो उसका जो नियमानुसार है मुआवजा दें। हम लोग किसान लोग को जसरियों को आपत्ति सी कर रहे हैं, भैया अगर सरकार की जरूरत है तो लेंगे, ले सकते हैं, हमारा जो मुआवजा दे हो जाए। बाकी यहाँ पर सब मतलब खेती होती है? सब खेती होती है, सब पूरे के पूरे टोटल काश्तकार लोग यहीं काम करते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं सिंचाई करते हैं। और अगर हम लोगों की ऐसी जमीन ले ली जाएगी तो हम भुखमरी पर हैं भाई, कि हम लोग कहाँ जाएंगे भाई। और ऐसे नहीं, कम से कम बहुत गाँव है, कोहनी प्रतापपुर, सरदार नगर, पटरी, चंदुआ, फतेहपुर, सरातू, चौबारी, इतमाली, बबिया, सभी गांव की जमीन है, कई हजार बीघा जमीन है। तो उनके अभ्यास से यहाँ पे कोई मतलब परेशानी? बहुत लोग मारे जा चुके हैं पहले। अच्छा। मारे जा चुके थे, बंद हो गई अब से कम 40 साल पहले थे, फिर भाई नहीं अभ्यास करा, और दोबारा से महोदय ने, जिलाधिकारी महोदय ने उसे स्वीकृति कर दी, तो हम लोग उनको पता लगे, उन्हें हम लोग उन्होंने आपत्ति की कि यहाँ नहीं, आप जो है सिंचाई नहीं करेंगे, जमीन नहीं बोने देंगे, तो हम लोग लगातार उनसे संपर्क में है अधिकारियों। क्या आप क्या चाहते हैं इस मामले में? ये चाहते हैं कि हमारी जमीन से कोई मतलब नहीं है, अगर जमीन लेने हैं तो सरकारी नियमानुसार हमारी जमीन को मुआवजा दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो हम लोग इसी में करेंगे, नहीं है तो हम कोर्ट की शरण लेंगे, अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी, अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम कोर्ट की शरण। बरेली में किन किन अधिकारियों से आपने शिकायत दी है? हम डीएम साहब के पास गए और कमिश्नर साहब के पास गए, सभी के पास जाएंगे, उनने आश्वासन दिया कि तुम्हारी जमीन में अभ्यास नहीं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, अब आपका नाम? हमारा नाम सोहन पाल। तो क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यह है साहब, हम कर्जकार आदमी हैं, लोन लो है हमने, और जमीन चली जाएगी, हम बच्चे कहाँ से पालेंगे, लोन कहाँ से देंगे, और दादरा जमीन साहब अपनी जमीन है, कोई पत्ते तो नहीं, ना हमारी ग्राम सभा है, हम जय चाहते साहब हमारी जमीन रहे, और जब मले